वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग, आप देख रहे हैं और आज हम रमजान जानी से मिल रहे हैं। रमजान, एज क्या है आपकी? अभी मेरी 20 साल उम्र है। अभी 20 साल बके हुए हैं माशाल्लाह। तो आगे अल्लाह ताला ने अभी ये शोहरत और मकाम अता किया है, आगे जो प्लान्स और इरादे हैं उसमें क्या क्या कुछ शामिल है, कभी सोचा है कुछ? सोचते तो रहते हैं लेकिन ये कि जिंदगी मौत का कोई पता नहीं। हाँ, तो ये है कि अभी मैंने सेकेंड ईयर मैंने क्लियर की है, अभी अप्लाई किया आगे स्टडी के लिए। अच्छा, तो म्यूज़िकॉलॉजी की डिग्री में आगे अप्लाई किया अभी। तो जल्दी उसका जो है ना वो लिस्ट लगनी, तो साथ साथ इसको म्यूज़िक करना है आगे इंशाल्लाह, अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं आपसे, आपने कोई सैफुल मलूक का कोई अपने अंदाज में भी कंपोजिशन की है एक? हाँ, नहीं नहीं, मैं अगर आपसे उसकी फरमाइश करूँ तो वो आप हमें सुनाएंगे? मतलब उसको अपने अंदाज से कंपोज करने की जरूरत क्यों आपको लगी? वो ये है कि वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने अंदाज में कर दी। अच्छा, ये मतलब मियां मोहम्मद वाह साहब का ये कलाम है, तो ये मेरे ना मैंने सिंपल एफए किया था, तो पंजाबी की बुक्स में ना मैंने सब्जेक्ट रखा था पढ़ने के लिए पंजाबी, तो उस बुक में ना ये कलाम था, ये मियां मोहम्मद बख्श का। हाँ, तो फिर मैंने इसे कंपोज किया। ये उस वक्त की कंपोज कर लिया था या अभी किया है? उसी वक्त कर लिया, ये काफी दिन पहले की, काफी अरसे पहले। हाँ, अच्छा, तो सही। तो वो मैं आपको ना वो जरा सुनाता हूँ। अच्छा, तो कलाम का पसंद आना जरूरी है। दुश्मन मरे ते खुशी ना करे, इत्ते सजना भी मर जाना, दीगर ते दिल हो रम ते औड़कनू डूब जाना। सदा नरसद गुजारी किसी, सदा नरसद गुजारी किसी, सदा नरसद गुजारी सदा रौनक शेरा, सदा मौज जवानी वाली, सदा नदियां दरा पानी दा मुड़ जाना, पानी दा मुड़ जाना। असी मुसाफिर हाँ कद अस टुर जाना, ओ असी मुसाफिर हाँ कद अस सदना रस बजारी कैसे, सदना रौनक शेरा, सदना मौज जवानी वाली, सदना नदियां लहरा पानी दम जाना है, पानी दम जाना। असी मुसाफिर हाँ कलश टूट जाना, सदा ना लाठ चरागा वाली, सदा ना सोने पतंगा, सदा उलारा नाल करतारा रेसन कद कलंगा, गड्डी दिया दो लैना, गड्डी दिया दो लैना, जदा तेरी याद आवे बैग मैं भूल लैना,
डिफरेंट आपने मियां मोहम्मद बख्श साहब के कलाम को भी आपने गाने की फोक के रंग में उसको कंपोज किया और इसमें मेरे ख्याल आपने कुछ मिक्स भी किया है। हाँ, मिक्सिंग की है कुछ इसमें आपने उनके कलाम के साथ। ये जो शायरी है ना बहुत कम समझ आने वाली है कि मियां मोहम्मद बख्श साहब की मुश्किल है जी, वो लोग समझ सकते हैं कि जो ज़रा पंजाबी की डिक्शनरी जो यूज़ करते हैं वो मतलब इस लेवल तो वो थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग की है, टच दिए कि ताकि आम फैम लोगों को जो है ना वो आजकल का थोड़ा सा हाँ। गड्डी दिया दो लेना हाँ भी दो लेना चल हाँ नाल नाल। तो अच्छा। वो जरा है कि उसमें सब जो है ना वो मिक्स है। अच्छा, आजकल के दौर में से आपके फेवरेट सिंगर कौन सा है? सब अच्छे हैं वो तो हैं हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पसंद भी तो होती है ना, कोई नहीं सब अच्छा गाते हैं। मेरे फेवरेट मेरे उस्ताद जी। लेकिन क्या नए कोई गाने नहीं सुनते आप? नहीं, सब अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा था कि सब बहुत अच्छा, सब जो बंदा भी अपने हिस्से का वर्क कर रहा है ना बहुत अच्छा कर रहा है, सब अच्छा गा रहे हैं। हमारे साउथ पंजाब में भी अच्छा गा रहे हैं और वैसे भी ओवरऑल ही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फोक में भी क्लासिकल में भी। ठीक है, अच्छा आपको वो गिला नहीं हुआ जो अक्सर लोग कहते हैं कि खान साहब लोगों से जब सीखने जाएं तो वो अपने अपनी फैमिली को वो सारे गुर नहीं सिखाते, सारे सुर नहीं सिखाते, कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं सिखाते? असल में ये कि लेने का ढंग आता हो ना तो फिर इंसान जो है ना वो सीख जाता है। असल में लोगों को लेने का तरीका नहीं आता, तो वो ये है ना कि जब लेना आता हो तो फिर मालिक अता कर देता है। मालिक अता कर देता है, सही।
चलें अल्लाह ताला आपको और बढ़ोतरी दे फन में, हम आपकी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें सुनते रहें, देखते रहें। आपके आपकी जो कॉम्पोजिशंस है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है कि कलाम आप ढूंढ लेते हैं, कंपोज आप खुद कर लेते हैं और खिजर आपके साथ है। ये खिजर आपको कहाँ से मिले थे? मैं बस शुरू से, हमारा एक ही एरिया है, एक ही एरिया तो मतलब मेरे अंकल ही हैं, तो मतलब शुरू से इकट्ठे ही। ये आप लोग आपके टिपिकल म्यूजिशियंस हैं जो आपके आपके साथ हमेशा होते हैं? ये साथ मेरा कजन है फजल, हाँ, जो पैड पे, ठीक है, तो खिजर भाई और साथ होते हैं, तो माशाल्लाह ये कीबोर्ड वाले भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह जायद तो हमारे साथ हमेशा से होते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब जाते जाते दिल रोंदा है कि फरमाइश करते हुए हम आपको रुख्सत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपकी महफिल थी, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन आपने वक्त निकाला और आप हमारे लिए यहाँ पर आए इस्लामाबाद। ये आपकी मेहरबानी है कि आप सब ने टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप हमें बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, आपसे मिलना, आपसे मिलकर ना एक बहुत बड़ा मैसेज ऑफ होप ये है कि हमारे नौजवान मेहनत करें, किसी भी फील्ड में करें तो मेहनत को रंग अल्लाह ताला जरूर लगाता है, आप उसकी जीती जागती मिसाल। मैं स्टार्टिंग से जब मैं शुरू में जब मैंने थोड़ा बहुत क्लासिकल जब मैं कर रहा था, तो मुझे मतलब मेरे जो स्कूल फेलो या कॉलेज फेलो वो कहते यार क्या किस काम में पड़ गया, ये कोई नहीं सुनता। लेकिन ये है कि चीज़ों में दम हो तो वो लोग सुनते हैं। आजकल मुझे बड़े एसएमएस आते हैं उन लोगों के जो मतलब यंग यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, उनके मैसेज आते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो ये है कि मतलब चीज़ में दम हो तो वो हर किसी को अच्छी। अब देखें कि शायरी अक्सर ही मुझे कमेंट्स आते हैं कि इसकी समझ तो आई नहीं लेकिन इसका मज़ा आया। तो ये है कि कोशिश करते रहते हैं। तो आप सबका बड़ा शुक्रिया, सारी टीम का बहुत शुक्रिया, बड़ा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आप सबका प्यार देख के मिल के, और ये खासकर मॉर्निंग शो करके बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच रमजान जानी, विश यू ऑल द बेस्ट, और हम आपकी कामयाबियों के लिए हमेशा दुआ करेंगे, मैं भी और मेरे देखने वाले भी। और जाते जाते दिल रोंदा है, दर्शन बन जोगी था था बोंदा है, ओ दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा, हाँ दिल रोंदा रे, ओ आए रे रोना, हाँ दिल रोंदा ते कुरलांदा है, लज लाके आल कदी सावण मींदियां झड़ियां गुजरा दियां लम्मियां घड़ियां किस यार दी बुक्कल मार कोई दुख दिल दे छेड़ के तार जो दुखूने ना दे जोंदा है ओ दिल रोंदा है दिल रोंदा।
रोंदा ते कुरलांदा ए दिल रोंदा ते कुरलांदा morning with Farah.